सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें गोरखपुर के अर्पित गुप्ता ने भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इस परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल की है। सदर सांसद रवि किशन ने उनसे मुलाकात की एवं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर वासियों की तरफ से मैं अर्पित को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अर्पित ने कई युवाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्पित ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। अर्पित गुप्ता ने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि पढ़ाई कितनी करते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ें। इस अवसर पर अर्पित गुप्ता ने पिता, उनके परिजन और सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, जय यदुवंशी, सांसद KPRO पवन दुबे सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन और UPSC में सफल अर्पित गुप्ता ने कहा, इन्होंने इतना गौरव आज दिया है हम लोगों को, समस्त गोरखपुर आज गर्व महसूस कर रहा है। मुझे महाराज जी को बड़ा गर्व हुआ, उन्होंने संदेशा दिया, हम उनसे महाराज जी के संदेशा लेके आए कि महाराज जी ने आपको बहुत साधुवाद दिया और बहुत आपने नाम किया 54 नंबर पे आके ऑल इंडिया रैंक, अमेजिंग, वेरी वेरी प्राइड। और देखिए कि बड़ी सादगी घर परिवार से भी देखिए, साधारण आपके पिताजी यहाँ खड़े हैं, मतलब ये ऐसे बच्चे हमारे सीख है सब लोगों के लिए, ये सीख है। मैं सारे बच्चे जो उस वक्त मुझे गोरखपुर मंडल अगल बगल जिले उत्तर प्रदेश या भारत से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सीख है। आज मैं चाहूंगा तुम बताओ आप कुछ कहना चाहते थे। मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता था, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मैं डेली पढ़ता था, ठीक है। मतलब ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं, ज्यादा जरूरी ये है कि आप एक साल में हर दिन कितने घंटे बैठे हैं, तो वो जो है बेस फॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है दैट इज द सीक्रेट टू माई सक्सेस। कैसे लगा था वो?